ओके हेलो सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में सो दिस सेशन ऑल अबाउट देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज रियली रिक्वायर्ड इज सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनकेडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सब्लेट से बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं राइट फ्रॉम योर लर्निंग प्रैक्टिस ऑफ क्वेज डाउट सॉल्विंग सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है सो एन अकेडमी इज बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का जरूर फायदा उठाएं और आपका जो करियर है आपका जो सेट करियर है उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली uh, जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल है आप चाहे जेई करो आप शायद यू करो आप शायद एम करो आप नीट करो कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनकेडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है सो so आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए अकेडमिक रिलेटेड आप अनकेडमी का फायदा जरूर उठाएं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें ताकि आपका जो पढ़ाई है आपका जो करियर है वो सेट हो सके ठीक है चलिए नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ़ द डे एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो ओके सो मेरा नाम अजिंक्य सोड़ुंग है माय नेम इज अजिंक्य सोड़ुके एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं ठीक है लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट जस्ट रिमेंबर माई नेम दैट इज माई नेम इज अजिंक्य एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक ठीक है चलिए चलिए सो so, सबका स्वागत है आज के सेशन में पाइथन के एंड uh, हम बहुत सी बढ़िया चीजें और सीखेंगे पाइथन के बारे में लेकिन शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक करना है चैनल सब्सक्राइब करना है दो चीजें पक्का करके रखनी है वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब ठीक है एंड आइकन भी तीन चीजें कर लो ठीक है तीन चीजें एक साथ कर लो वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब बेलाइकन दबाना है। इतनी सारी चीजें कर लो फिर हम लोग अभी कैसे बाकी के नई चीजें देखेंगे विल we'll टॉक we'll uh, well. तो देखे, कैसा है कि वेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ठीक है बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो प्रॉब्लम कैसा होता है कि मेनि टाइम्स हम लोग सपोज uh, आपको डिक्लेयर तो करना नहीं पड़ता है पाइथन के अंदर कि कौन सा वेरिएबल कौन से टाइप का है या फिर यू डोंट नीड टू टेल कि उसका डेटा टाइप क्या है राइट right? ओके okay. लेकिन एक काम करेंगे हम लोग कभी कभार हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े ठीक है आपको जरूरत पड़ सकती है ऑफ डिफाइनिंग uh, किसी का डेटा टाइप ठीक है हम लोग उसको कास्टिंग बोलते हैं कास्टिंग मतलब क्या रहता है कास्टिंग इज नथिंग बट वे टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल राइट हालांकि इसकी जरूरत नहीं है एज यू नो लेकिन आ, कैसा है कि डेटा टाइप हमको सपोलेट से अगर हो सकता है कि समटाइम्स इट इज आपको डेटा टाइप बताना पड़ रहा हो ड्यूरिंग दैट टाइम आप ये वाली चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए जैसे कि हम लोग तीन वेरिएबल लेते हैं ए बी एंड सी चलो एक काम करेंगे तीनों के अंदर हम लोग वैल्यूज डालेंगे ठीक है एक के अंदर वन डाल दिया हमने ठीक है दूसरे के अंदर हम लोग डालेंगे इंट लेट से फोर पॉइंट फाइव और इसमें डालेंगे इंट uh, किसी नंबर को डाल देते हैं ठीक है सेवन नो वॉट इट डज एस ये एक्स uh, के अंदर क्या कर सकता है एक्स की वैल्यू विल बी वन इधर एक्स की वैल्यू कितनी होगी uh, मतलब वाई की वैल्यू सॉरी यहां पर ए की वैल्यू कितनी होगी वन B की वैल्यू क्या होगी B will, be 4. And what will be C? C will be विवे ठीक है ये चीजें होंगी मतलब अगर तुमको विश्वास नहीं होता है तो यू कैन प्रिंट अप लोग प्रिंट करवा देंगे सी को भी चलिए शॉर्टकट आपको याद है कंट्रोल शिफ्ट एफ टेन कंट्रोल शिफ्ट एफ टेन दबाओ Let us see the 1, 4, see? 1, 4, वही हुआ जो हमको चाहिए था मतलब इसमें हम लोग डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं तो ब्रैकेट में कौन से भी प्रकार में लिखो अगर आपके सामने अगर वो डेटा टाइप अगर लिखा हुआ है जैसे कि इंटीजर है तो कोई कैरेक्टर में रहा तो भी उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में कोई फ्लोट में रहा तो भी उसको कन्वर्ट करेगा नंबर है तो ऑब्वियस इट इज ऑलरेडी कन्वर्टेड निल डू वन थिंग हम लोग यही सेम चीज किसके साथ करेंगे ऑब्वियसली दूसरे हमारे नंबर के साथ आ, हमने इंटीजर के साथ तो कर लिया है तो आई थिंक वी शुड गो विद फ्लोट फ्लोट के साथ जाते हैं ठीक है चलिए चार फिर से वेरिएबल लेते हैं ए बी ए में क्या लिखेंगे फ्लोट कोई नंबर लेते हैं ठीक है थ्री ले लो फिर बी लेते हैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ठीक है दो तीन चार एक में हम लोग नंबर लिख देंगे एट पॉइंट नाइन ठीक है और एक में हम लोग इसको टू लिख देते हैं ठीक है लेकिन कैरेक्टर्स में और एक में लिखेंगे थ्री टू ठीक है थ्री टू लिख चलिए सो अरे नहीं सभी एक ही वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल के नाम चेंज करना पड़ेगा ओके okay, सब सबके नाम चेंज कर दिया हमने okay. अभी उसके साइड में हम लोग लिखेंगे कि भाई क्या वैल्यू प्रिंट होगी ए विल बी थ्री इसमें कोई इश्यू नहीं है बी विल बी इन दिस केस इट विल बी एट यहां पर क्या होगा सी विल बी टू एंड डी डी विल बी सिक्स हो गया प्रिंट करवा लेते हैं चारों को प्रिंट ए print ए बी सी डी बी सी डी चलिए इसको रन करके देखते हैं ओके रन रन हो चुका है तो uh, so पहला नंबर इज थ्री ओके दैट इज करेक्ट ओके नहीं नहीं बराबर है ना फ्लोट में सो so, सॉरी उसमें थ्री पॉइंट जीरो स्टोर होगा इसमें एट पॉइंट नाइन स्टोर होगा इसमें 2.0 स्टोर होगा और इसमें 6.32 हां अभी ठीक है माय मिस्टेक मैंने उसको इंटीजर के जैसा ले लिया सो दीस विल बी द वैल्यूज मतलब अगर किसी के पास डेसिमल नहीं है तो डेसिमल दे देगा उसको पॉइंट uh, आगे उसके नंबर नहीं रहा तो उसको खाली जीरो टर्म कर देगा बाकी कुछ ऐसा फर्क नहीं आएगा इसके अंदर ठीक है चलिए फिर सो दीस आर सपोज लेट्स से फ्लोट केस में नाउ वी विल डू वन थिंग हम लोग क्या करेंगे इसके लिए लिख देंगे स्ट्रिंग के लिए ठीक है चलो फिर स्ट्रिंग के लिए करवा लेते हैं किससे करेंगे हम लोग सबोल से कुछ डेटा उसमें ऐड कर लेते हैं ठीक है ए आ, स्ट्रिंग लिखेंगे और उसमें कुछ वैल्यू डाल देंगे ठीक है जैसे कि मान लो आ, डेल डाल दिया आ, फिर बी लेते हैं इसके अंदर भी स्ट्रिंग डालते हैं इसके अंदर कोई नंबर डालते हैं फोर एंड सी डालते हैं uh, string, uh, इसके अंदर भी कोई नंबर डालते हैं हम लोग सपोल लेटर से लेटर जैसे सेवन पॉइंट टू चल अभी हम लोग देखते हैं कि uh, इसको वो क्या पकड़ रहा है एग्जैक्टली सो ए विल बी ए कोर्स डेल ठीक है वो डेल ही रहेगा उसमें कोई इशू नहीं है ये सिंगल कोट में दिया तो भी चलता है ना सिंगल कोट में ले, ले लेता है चलिए बी का वैल्यू क्या होगा बी विल बी फोर है ना उसको खाली सिंगल कोट में वो फोर ले लेगा इतना ही फर्क होगा बाकी कुछ नहीं। और फिर बाकी बाकी फिर सी uh, के हिसाब से सी विल बी कितना uh, save, अपना सिंगल कोट में सेवन पॉइंट टू हो गया प्रिंट करवा लेता है इनको प्रिंट बी एंड प्रिंट सी रन okay. करवा के देख लो देखो आपके क्या प्रिंट हो रहा है पहले डेल फिर फोर पॉइंट सेवन पॉइंट टू और अगर हम लोग टाइप ऑफ अगर प्रिंट करवाते हैं ठीक है सपोज उनका टाइप क्या है इफ यू आर नॉट श्योर टाइप ए देखो क्या बोल रहा है स्ट्रिंग बोल रहा है ऑब्वियसली सबका ही सेम होगा इसको बी करवा लेता है और इसको सी करवा लेते हैं चलो रन करवा के देख लो सो इट इज डेल स्ट्रिंग फोर स्ट्रिंग सेवन पॉइंट टू स्ट्रिंग मतलब सभी को स्ट्रिंग ही बोला गया दे आर नॉट चेंज समथिंग राइट ओके चलिए देखते हैं सपो लेटेस्ट से हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं तो हमने अभी देखा कि कास्टिंग कैसे यूज कर सकते हैं तो कास्टिंग इज एक्चुअली बहुत लेट से सिंपल है टेक्निक है एज यू कैन सी आप किसी भी वेरिएबल को सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं कि उसका वेरिएबल टाइप क्या होगा राइट right? तो वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा आप खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं दैट इज इज समथिंग ऑफर्ड बाय लेट्स पाइथन आप कास्टिंग के जरिए आराम से उसका चेंज uh, करवा सकते हैं राइट नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड वॉट फिल्स आज के सेशन में विल स्टार्ट विद स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स के साथ शुरुआत करते हैं मतलब उसके कुछ ऑपरेशन विच व्यू माइट रिक्वायर इन बेसिक्स सो फॉर दैट एक नया फाइल बनाते हैं हम लोग ठीक है ओके एंड विल स्टार्ट विद स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स के साथ शुरुआत करते हैं चलिए स्ट्रिंग्स के साथ शुरुआत करता स्टार्ट सो स्ट्रिंग्स में सबसे पहला हम लोग प्रिंट uh, करवा के देखते हैं कौन सा वही अपना नॉर्मल मान लो एप्पल आप प्रिंट करवा रहे हो और आप फिर से एप्पल ही प्रिंट करवा रहे हो लेकिन सिंगल कोर्ट में तो अब वो तो आपने पहले से सीखा हुआ है कि सिंगल कोट रहो कि डबल कोर्ट रहोट मैटर आपका फिर भी प्रोग्राम रन करेगा पाइथन राइट ओके सो एप्पल एप्पल एंड दैट इज सेम सिंगल फिर डबल कोर्ट ये तो हमको पहले से पता है राइट चलिए किसी वेरिएबल को एजेन कैसे करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल को एजेन ओके okay, चलो वो देख लेते हैं जैसे कि मान लो मुझे एक्स के अंदर कुछ लेटर को से स्ट्रिंग को स्टोर करना है राइट तो मैं क्या लिखूंगा सपोज आई विल राइट डाउन कॉम्पैक्ट फॉर एग्जाम्पल ठीक है मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ एक्स को प्रिंट करवा रहा हूँ इसको रन करके देखते हैं ठीक है देख लो कॉम्पैक्ट प्रिंट हो गया यस yes, डन ऐसा है मतलब यू कैन प्रिंट इट अप आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं सही है ओके okay. चलिए आगे देखते हैं सो so, अगर मुझे मान लो मल्टीपल लाइन पे कुछ स्ट्रिंग्स लिखने हैं Suppose, हो सकता है कि मेरे पास जो लाइंस है मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक लिख रहा हूँ राइट यहाँ पर मैंने अगर कुछ भी लिखा क्या वो सबको प्रिंट करवाएगा सब प्रिंट करवाता है लेकिन मल्टीपल लाइन पे हो तो मतलब एक के नीचे एक हो तो, तो उसको कैसे प्रिंट करवाएंगे लेटे देखो हमको क्या करना है सबसे पहला अगर कुछ भी मल्टी लाइन पे है कमेंट में भी हमने क्या देखा था अगर मल्टी लाइन पे अगर कुछ है तो आपको डबल कोर्ट में बताना पड़ता है राइट ओके तो वही करना है आपको देखो कैसा है ना इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है और वो है कि इसमें डबल कोट का बहुत इश्यू है किसमें हमारे पाइथन में being, क्योंकि वो क्या करता है एक आपने ओपन किया तो उसको क्लोज भी करता है सो so, आप थोड़ा स्ट्रगल करेंगे लेकिन इट कैन बी डन ठीक है चलो स्टेटमेंट लिखते हैं कुछ हाय माय नेम इज से आई लेट्स से हेलो प्लांट्स ठीक है कुछ भी यार हु 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 केयर्स तो मैं जस्ट लिख रहा हूँ स्टेटमेंट ओके एंड आई टीच मल्टीपल सब्जेक्ट्स ओके अब मैं मान लो यहाँ पर मैं उसको बंद करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा मेरे जो वो डबल कोर्ट्स हैं तीन वाले वो मैं लास्ट में ऐड कर लूंगा ये मेरा क्लोजिंग पार्ट है अब मैं उसको ए को प्रिंट करवा दूंगा तो देखो आपका काम हो जाता है हो गया तीनों प्रिंट देखो अलग अलग, अलग लाइन पे नेम इज अजिंक्य करेक्ट एंड आई लव टीच मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो गया देखो सब कुछ प्रिंट हो गया राइट सो मल्टीपल के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको खाली क्या करना है कि आपको सपोज डबल कोट देने तीन एंड डबल कोट क्लोज करना है क्या हम लोग वहां पे सिंगल कोड भी दे सकते हैं यस yes. हम लोग सिंगल कोड भी वहां पे दे सकते हैं एक दो तीन ठीक है एक दो तीन चलो रन करके देखते हैं देखो फिर भी रन हो रहा है मतलब सिंगल कोड तीन दे दो और उसे क्लोज करो या फिर डबल कोड तीन दे दो और फिर उससे क्लोज करो आपके ऊपर है कि मतलब हाउ यू आर गोइंग टू डू इट सही है ओके okay. अब ये काम करता है ठीक है अस गो फॉर समथिंग मोर समथिंग एक्स्ट्रा के लिए जाते हैं सही है चलिए सो नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं तो हमने कैसा है ना अभी तक स्ट्रिंग्स uh, का declaration देखा है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स का सकते हैं, उसको double से कर सकते हैं. Let us see, अगर हम लोग उसको अरे के फॉर्म में कर सकते हैं अरे मतलब क्या रहता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स हम लोग अरे के फॉर्म में हमारे स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर कर सकते हैं क्या और फिर उस, उसको प्रिंट करवा सकते हैं अस सी दैट तो जैसे कि मान लो मैंने ए के अंदर स्टोर कर लिया Uh, मैंने स्टोर कर दिया सिंगल कोट में माय नेम इज अजिंक्य ठीक है माय नेम इज अजिंक्य मैं ऐसा स्टोर कर रहा हूँ उसके अंदर ठीक है तो इससे क्या होगा कि सपोज लेटर से ये स्टोर हो गया ओके okay. अब जब मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ मान लो मैंने प्रिंट करवा दिया ए ठीक है इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाओ क्या प्रिंट होगा

Uh, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर मतलब ये अरे की जैसा ट्रीट करता है उसको सो दैट मीन अगर मैं उसको यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दू कि मुझे सिर्फ तीन नंबर वाला डेटा चाहिए इज तो वो खाली उसको प्रिंट करेगा कंट्रोल ठीक है रन ओके okay, तो क्या प्रिंट कर रहा है एन प्रिंट कर रहा है लेट अस सी कि नंबर्स में कुछ इशू है क्या लेट अस पुट डाउन सम डिफरेंट नंबर वन पुट करके देखते हैं ओके okay, तो सिर्फ वाई पुट कर रहा है ठीक है मतलब सपोज लेट से व्हाट इट इज डूइंग इज बेसिकली मतलब नंबर्स को देख रहा है राइट right? मतलब हमने लिखा है वन सो लेट अस सी कि ऐसा क्यों कर रहा है वो करेक्ट ओके सो हमको वही देखना है अब इसमें प्रॉब्लम कैसा है ना कि वन 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 यू आर डीलिंग विद दिस ओके सो लेट अस सी हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें सो so, के लिए क्या प्रिंट कर रहा है वो लेट से वाई प्रिंट कर रहा है ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज उसमें कैसा है ना वो वर्ड के हिसाब से नहीं लेता है कैरेक्टर के हिसाब से लेता है जैसे कि ये वाले एम वाई इज नथिंग बट द पोजिशन जीरो वन ठीक है फिर ये नेम uh, के लिए क्या कर लेगा वो टू थ्री फोर फाइव पोजिशन दे देगा फिर इसको सिक्स एंड सेवन पोजिशन देगा फिर अजिंक्य के, के लिए क्या पोजिशन देगा सेवन तक हो गए ऑलरेडी एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व कितने लेटर्स हैं uh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 तक आना चाहिए। चाहिए। so, चाहिए, okay. इतना सारा अब कुछ जैसे कि मान लो मुझे वो ए वाला लेटर चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा आई विल राइट डाउन एट इन दैट चलो एट के रन करके देखते हैं एट से हमका क्या प्रिंट होना चाहिए ए प्रिंट होना चाहिए सही है चलिए देखते हैं रन करके क्या प्रिंट हुआ आई प्रिंट हुआ ठीक है, से uh, हम हमारे numbers में क्या इशू है अब जैसे कि हमको यहाँ पर ए प्रिंट करवाना है राइट right? मतलब लाइक uh, तो नंबर क्या देंगे हम लोग रन करके क्या प्रिंट हो रहा है एन प्रिंट हो रहा है क्यों क्योंकि वो क्या कर रहा है बीच में के स्पेस को भी एक नंबर पकड़ रहा है मतलब यू कैन सी एक दो तीन चौथे पे टेक्निकली वो राइट right? मतलब लाइक स्पेस के हिसाब से और अगर हम लोग नॉर्मली नंबर ले रहे जीरो वन थर्ड पे तो हमने थर्ड दिया लेकिन वो क्या कर कर रहा Let's say N print कर रहा है है करते तो क्या बनता है ए प्रिंट कर रहा है राइट सो बेसिकली वॉट इट इज टेकिंग इज यहाँ पर एम को प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा लेटस सी एक करके देखते हैं तो so एक क्या प्रिंट कर रहा है वाई प्रिंट कर रहा है ठीक है जीरो लेते हैं तो क्या होगा

जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है अभी सिक्स करके देखते हैं हमारे हिसाब से सिक्स कौन e आना चाहिए ई आना चाहिए यस ई आ रहा है अब बराबर है मतलब द प्रॉब्लम इज दैट इट पूरा 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 का पूरा वो उसको से uh, उसको गिनता है सो दिस इज एम वन वाई टू स्पेस थ्री देन वो चार लेटर्स फोर फाइव सिक्स सेवन उसके बाद फिर से स्पेस है राइट फॉर स्पेस अगेन अ नंबर एट फिर Nine and ten, और फिर बाद में फिर से एक स्पेस है so that means 11, और फिर उसके बाद है, वो कितना है 12 कहां से है? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 तक ले लो. 13, 14, 15, 16, 17, 18. काम कर लेता है। ये ए को प्रिंट करवाते हैं कितने नंबर पे है? हमारे हिसाब से इट्स ऑन ट्वेल्थ नंबर राइट लेट अस सी ए प्रिंट हो रहा है क्या प्रिंट हो रहा मतलब हमारे हिसाब से the position is wrong. ऐसा क्यों आपने दे दिया 9, 10, okay, 11, फिर हमारा कौन सा पे 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 बोल रहे है वो? पे. Let us see. पे बता रहा right? Let us see कि हमने कहा मिस्टेक हम की है थर्ड एन प्रिंट कर रहा है ठीक है दैट इज से जीरो मतलब आपका पोजीशन का प्रॉब्लम क्या है कि आपका सपो से वन टू से बोला है उन्होंने लेटेस्ट सी कि थर्ड पे हमारा स्पेस बोल रहे हैं हम लोग लेकिन थर्ड पे क्या पकड़ रहा है वो एन पकड़ रहा है ओके तो दैट मीन द स्टार्टिंग इज फ्रॉम जीरो कुछ नहीं सो जीरो देखते हैं देखो कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा हो सो दैट मीन्स वो स्पेस को प्रिंट कर रहा है वहां पे है लेकिन द स्पेस इज नॉट विजिबल ओके ठीक है तो जीरो वन टू थ्री फिर थ्री फोर फाइव सिक्स फिर सेवन का गैप फिर एट नाइन ठीक है फिर टेन का गैप फिर इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ठीक है मतलब इतना हमको कट करना पड़ेगा लेट अस सी अभी हमारे नंबर्स बराबर है क्या इलेवन uh, को प्रिंट करवा के देखते हैं प्रिंट हो रहा है अभी Yes. So that means, आपको क्या करना है वो नंबर के हिसाब से स्टार्टिंग सेन दम ऑफ स्पेसिस को भी आपको गिनना पड़ेगा तो स्पेसिस को गिनना है और पहले नंबर को जीरो पकड़ लेना है सो दैट इज हट वर्क तो ये हमारा था अरे का बारे में सो पाइथन स्ट्रिंग्स को कैसे स्टोर करता है अरे के फॉर्म में राइट right? चलिए, so, right? uh, क्या बोल तो तो so, को हमने हमने करके बता दिया कि भाई कैसे काम कर रहा है, how it is being stored inside. So, हमने वो चीजें बता दी सही है? चलिए अब एक नए चीज के बारे में स्टडी करते हैं and that is support, let us say. Uh, कुछ एक लूप के फॉर्म में हम लोग स्ट्रिंग्स को देखेंगे ठीक है okay. so, for, for बोल के यूज करते हैं ठीक है लेटे uh, बर, क्या होता है फॉर ए इन बनाना ठीक है आपको क्या करना है ठीक है एंड प्रिंट करवाते हमारे ए को ठीक है लेटेस्ट सी आंसर क्या होता है क्या इन वैलिड सेंटेक्स राइट इन वैलिड सेंटैक्स क्यों क्योंकि लूप अगर है तो आपको कोड देना ये देना पड़ता है राइट right? कोलन तो ऑब्वियसली रन नहीं होगा उसके सिवा तो देखो प्रिंट ए करवाया क्या प्रिंट किया उसने ओ आर ए एन जी ई ठीक है ऐसा प्रिंट करवाया राइट सो दिस इज व्हाट इट इज अगर मैं कोई दूसरा रैंडम लेटर लेता तो जैसे कि एक्स ले लो ओके सो ओ आर ए एन जी बोल रहा नाउ फॉर सपोज लेट से कोई नंबर देते तो क्या होता है?

चलिए अब एक काम करते हैं एक लेटर लेते हैं इसमें स्टोर करते हैं सपोज इंडिया इज अ वास्ट कंट्री ठीक है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री हमने लिखा ठीक है मान लो आपको इसकी लेंथ जाननी है ओके okay, तो आप लेंथ भी पता कर सकते हो प्रिंट करने का लेंथ लिखने का बी लिखने का ठीक है प्रिंट लेंथ ऑफ बी ठीक है रन करके देखते हैं ओके okay, तो कितना बोल रहा है ट्वेंटी फोर लेटे काउंट लेटे काउंट सच में ट्वेंटी फोर हो रहा है क्या देखो इंडिया का कितना है पांच राइट इंडिया इज अ फाइव इज टू ए वन वास्ट चार एंड कंट्री में कितने लेटर्स कितने अल्फाबेट्स हैं तीन चार पाँच छह सात ओके एडिशन कितनी आ रही है फाइव प्लस टू सिक्स सेवन एट एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सेवन नाइनटीन राइट नाइनटीन आ रहा है और यहाँ पर टोटल कितना बता रहा है ट्वेंटी फोर ये फर्क क्यों

चलिए अभी एक काम करते हैं हम सर्च करते हैं ठीक है हम लोग एक सर्च करते हैं अगर मान लो हमने लिखा है एन इज द बेस्ट से बुक फॉर बोर्ड प्रिपरेशन ठीक है मान लो ये आपने लिख दिया और आपको इसमें का सर्च करना है ठीक है इसमें का सर्च करना है क्या सर्च करना है, है? इसमें मान लो आपको इसमें ये सर्च करना है कि कोई एक पर्टिकुलर लेटर को आपको सर्च करना है तो प्रिंट आपको क्या करना है कुछ सर्च करना है जैसे कि इसमें अगर कोई आपको वर्ड सर्च सर्च करना है जैसे कि बुक हो गया ठीक है और आपको ये किसमें सर्च करवाना है इन इन किसमें आपके लेटर में दैट इज सी सी में आपने स्टब स्टोर किया है ना तो ओके इन सी आपको स्टोर करवाना है लेट से रन करवाओ उसको क्या आ रहा है ट्रू बोल रहा है ट्रू का मतलब क्या है Actually, it is checking in C कि कि पे बुक है नहीं? C हाँ तो बुक है नहीं के अंदर। तो ना यहाँ पे वो है इसलिए कर रहा है. अब मान लो आपने उसको लिख दिया सिर्फ सिर्फ बेस्ट लिख दिया बेस्ट नहीं लिखा बेस्ट तो ऑब्वियसली रन करेगा वो ट्रू बोलेगा मान लो आपने बेस्ट लिखा सिर्फ मतलब ओनली सर्टन लेटर्स ऑफ दोल वर्ल्ड लेटर्स चेक्स ट्रू बोल रहा है अभी भी मतलब एग्जैक्ट वर्ड होना जरूरी नहीं है वो उसमें का शॉर्ट पार्ट भी डिटेक्ट कर सकता है जैसे कि की एनसीआरटी का मान लो मैंने सिर्फ ई ER आर लिखा एनसीआरटी में का सिर्फ ई ER आर लिखा इज फॉल्स बोल रहा है अभी क्यों सी कैपिटल ई आर से होता है क्या ट्रू बोल रहा है मतलब द चेकिंग पार्ट चेकिंग पार्ट इज केस सेंसिटिव मतलब यू नीड टू मेक श्योर कि आपने जैसा उसमें लिखा है वैसा ही आप सर्च कर रहे हो ठीक है तो ई आर दैट इज आपने वो कैपिटल में लिखा हुआ है तो कैपिटल में ही आपको सर्च करना पड़ेगा सो दिस इज केस सेंसिटिव राइट चलो अब एक प्रेप वर्ड लास्ट का सर्च करते हैं सो दैट वी कैन बी सैटिस्फाइड कि हाँ वो हमारे हिसाब से काम कर रहा है यस yes? तो ट्रू बता रहा है वो सो इट्स पॉसिबल राइट चलिए अब एक काम करते हैं और एक स्टेटमेंट लिखते हैं नेम ऑफ माई प्लानट इज अर्थ ठीक है नेम ऑफ द प्लानट से क्या है अर्थ है अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे इफ इफ कंडीशन चेक करते हैं अगर अगर उसमें प्लानट है किसमें अगर प्लान है किसमें हमारे इसमें जो हमारा वेरिएबल है इन सी कोट प्रिंट क्या करवाएंगे कि यस yes, वो प्रेजेंट है बोल की यस यस क्या बोल के कि आपका ये प्रेजेंट है उसमें व्हाट यस प्लान इज प्रेजेंट इन द वेरिएबल राइट देखो तो ये क्या करेगा

इट इज प्रेजेंट ऐ ऐसा लिखते हैं सिर्फ रन करवाओ इसको ओके यस इट इज प्रेजेंट हाँ अभी बराबर है करेक्ट सो दिस इज एग्जैक्टली इज वर्किंग से जैसा हमको चाहिए था राइट right? चलिए अभी एक काम करते हैं कुछ और सेंटर्स लिखते हैं हम लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज ने सेंटेंस लिख दिया अभी हम क्या करेंगे प्रिंट uh, करवा देंगे लेकिन क्या करेंगे uh, अगर नहीं है तो नहीं है तो प्रिंट करवाना है राइट ओके सो एक काम करते हैं एक वर्ड को लिखते हैं कोई भी एक वर्ड ले लो ठीक है जैसे कि uh, एक्सटेंसिव तो if not, if not variable अगर वेरिएबल के अंदर नहीं है तो प्रिंट करवाना है चलो देखते हैं ट्रू बोल रहा है मतलब इसमें नहीं है वो वर्ड पहले कैसा हमने है तो बताओ बोले अब हम क्या बोल रहे है? कि नहीं है तो बताओ ओके सो एक्सटेंसिव आपके सेंटेंस में नहीं है तो यस yes, आ रहा है फिर से क्या बोल रहा है ट्रू बोल रहा है कंडीशन यू हियर ट्रू बोल रहा है सो so, ट्रू का कंडीशन कुछ ऐसा है लेट्स से हम लोग एक लास्ट वाला पार्ट देख रहे हैं uh, इसके अंदर कुछ एक और एक साइड स्टेटमेंट लिख रहा है साइंस इज डिवाइडेड इनटू फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ठीक है ये हमने स्टोर कर दिया अब क्या करेंगे हम लोग सर्च करेंगे ठीक है अब सर्च करेंगे मतलब लाइक like, कंडीशन के हिसाब से इफ एक्सटेंसिव नॉट प्रेजेंट नॉट नॉट इन नॉट इन ई नॉट इन ई तो क्या करवाना है प्रिंट करवाना है क्या स्टेटमेंट यस इट इज नॉट प्रेजेंट मतलब हमने क्या किया जो पहले वाला अभी हमने लिखा था नॉट वाला कैसे लिखते हैं सो so, वो तो लिखा है लेकिन उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं इस बार हम लोग इफ का सपोज कंडीशन यूज कर रहे हैं सो वी आर यूजिंग एंड उसके थ्रू हम लोग रन करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या करेगा पहले सर्च करेगा हमारे ई में कि भाई एक्सटेंसिव वर्ड है क्या अगर नहीं है क्योंकि हमने बोला है नहीं है तो नीचे का प्रिंट करवाओ तो ऑब्वियसली ऊपर के तो प्रिंट करवा देगा right? तो yes, प्रिंट हो रहा है आप देख सकते हैं यस इट इज प्रेजेंट और वो किसकी बात कर रहे हैं एक्सटेंसिव वर्ड इज नॉट देयर इन योर वेरिएबल सो दैट इज एक्टली वॉट वी हमारा सपोज स्ट्रिंग्स uh, का वाला पार्ट

टोटल सिलेबस आपका जो है वो बैचेस में कंप्लीट किया जाएगा लाइक like कोर्सेज में लाइक like साइंस का एक कोर्स होगा मैथ्स का एक कोर्स होगा सोशल साइंस का होगा जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं तो ये कोर्स की जैसे आपको कंप्लीट करना है उसका एक सेट ड्यूरेशन होता है और टीचर्स एक एक पर्टिकुलर सिलेबस को फोकस करते हैं जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं जैसे कि मान लो आप जेई दे रहे हो या फिर आप सप्लेट से नीट दे रहे हो तो आपको वो टोटल सिलेबस एक ड्यूरेशन के बोलते हैं। you, uh, syllabus, जो भी है आपके एग्जाम रिलेटेड पर्टिकुलर ड्यूरेशन नाउ द फीचर्स फर्स्ट थिंग अवेलेबल इज यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम ये सबसे बेस्ट फीचर है देखो एनअमी का जब आप क्लासेस करते हो ऑल यू रिक्वायर इजलेट या फिर मोबाइल या फिर पी uh, सी या फिर लैपटॉप इनमें से आपको कुछ भी चलेगा डिवाइस जो भी आप जैसे कर रहे हो प्लेटफॉर्म को एंड uh, जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं मतलब यू डोंट नीड टू गो एनी वे यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम यूर होम इट सेल्फ लाइक लर्न लाइफ फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम कोई जैसे कि कोविड पीरियड में कैसा ना इट्स वेरी डिफिकल्ट उट साइड कोविड हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे पढ़ सकते हैं तो आपके पास है ही बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंटरनेट एंड आपका डिवाइस चाहिए और आप घर बैठे पढ़ सकते हैं सेकंड फीचर जो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देता है तो वो है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरे कोर्सेस के लिए राइट right? अब इसमें क्या रहता है इज द मीनिंग ऑफ दिस राइट यू नो क्या मिल जाता है इसके अंदर सो प्लस कोर्सेज के अंदर ओके सो प्लस कोर्सेज के अंदर आपको कैसे मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज मतलब जब आप अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन मतलब जो आ, आ, आप, आपका जो सब्सक्रिप्शन है इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स मतलब लाइक like, जैसे कि साइंस को कोर्स को आपने अप्लाई किया फिर मैथ्स के कोर्स को अप्लाई किया वैसा नहीं रहता जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी कोर्सेस हैं

आप सब्सक्रिप्शन लेते हो पूरे आपको हो जाते हैं on है। कैसा है तो किसी टीचर का टीचिंग स्टाइल उनको समझ में आ सकता है किसी टीचर का समझ में नहीं आ सकता है ना हर एक का अलग अलग मेथड होता है और अपने लोकल ट्यूशन कैसे रहते हैं जैसे कि मान लो आपके सिटी में लोकल कुछ ट्यूशन है उनका फॉर्मेट कैसे रहता है कि मान लो आपको एक साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं बीच में मान लो आपको उनको समझ में नहीं आ रहा आपको तो वो आप टीचर को बदल नहीं सकते क्योंकि आपने ट्यूशन लगाई है साइंस का एक ही टीचर है वहां पे तो आप बदल नहीं सकते लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है यहाँ पर साइंस के टीचर्स बहुत सारे हैं मैथ्स के हैं सोशल साइंस के हैं आपको जब चाहे आप चेंज करवा सकते हैं मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑल यूर टू डू एस आपको जो भी टीचर अच्छे लग रहे हैं उनके कोर्सेस आप जेट से देख सकते हैं इट्स नॉट हियर कि आपको किसी पर्टिकुलर टीचर का ही कोर्स देखना है यू कैन मूव ऑन टू अदर कोर्सेस कोई इशू नहीं है राइट सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग मेथड। क्योंकि देखो हर एक टीचर का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है आपको जो एप्लीकेबल uh, है या फिर यू थिंक कि बाबा हाँ ये है चीज की जो uh, हमको समझ में आ रही है तो टू दैट यू कैन लेट से गो फॉर भी होते हैं। मतलब इसके अंदर आपको uh, like from time to time, जैसे कि हर प्लस के जो course है, एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं तो इफ़ देर इज एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन इट आप उसको पूछ सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशन सेशन भी होते हैं कि कौन से क्वेश्चन का किस तरह से प्लेटफॉर्म आपको, आपको, मतलब आपको, कि तो आपको बताता है नेक्स्ट थिंग इज अबाउटिव कवरेज ऑफ दिलेबस आपका जो सिलेबस है उसमें का हर एक नुक एंड कॉर्नर सपोलेटर से इज कवर्ड बाटर मतलब उसमें का हर चीज हर 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 हिस्सा आपका सिलेबस का कवर होगा और हमारे पास इतनी बैचेस हैं मान लो आपका किसी दिन मिस भी होता है आर सो मेनी कि अगर आपका किसी दिन मिस भी होता है आप दूसरे कोर्स में उसको कंप्लीट करवा सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आप, आप पूरे चैप्टर के लिए लाइट का है कोई चैप्टर है और आप पूरे चैप्टर के लिए गायब थे आप ये चैप्टर दूसरे कोर्स में करवा सकते हैं वही टीचर के क्योंकि उनके मल्टीपल कोर्सेस हैं तो एक में मिस हुआ तो आप दूसरे में देख सकते हैं ये भी एक फायदा है और आपने अगर करवा दिया है तो दूसरे सेशन में आप उसको रिवीजन बोल के पढ़ सकते हैं

वो आपको वीडियो के नीचे आ जाता है मतलब जब आपका पीरियड uh, होगा तो उसका जो वीडियो है वो इमिडिएटली अपलोड हो जाता है सर्वर पे राइट right? उसी वीडियो के नीचे बिलो आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड पीडीएफ बोल के डाउनलोड पीडीएफ बोल के ऑप्शन आएगा उसी के नीचे वीडियो के नीचे आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आपके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो तो दैट तो इज द स्टडी मटेरियल नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट भी होती है देखो जब आपको कोई एजुकेटर कोई चीज पढ़ाता है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करवानी है मतलब लाइक यू नो टेस्ट से पता तो चले कि आपका नॉलेज सच में आपने गेन किया है नहीं किया है ताकि आप जो वीक एरियाज है आपके आइडेंटिफाई करके उसको पढ़ो तो उसके लिए क्या चाहिए प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए बिना प्रैक्टिस टेस्ट के आपको वीक एरिया समझ में नहीं आएंगे तो वीक एरियाज आपको समझ में आएंगे विद हेल्प ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट फिर लाइव टेस्ट सीरीज होती है आपके फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है

वट आर आइकॉनिक कोर्सेस हमने जो देखा अभी पहला था वो प्लस सब्सक्रिप्शनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है ऑफ प्लस तुम आइकॉनिक को क्या बोल सकते हो एडवांस्ड वर्जन किस चीज का प्लस सब्सक्रिप्शन का प्लस सब्सक्रिप्शन का ये एक एडवांस्ड वर्जन है आइकोनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइन में हम लोग क्या बोलते हैं थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट सिस्टम इन द सेंस आपको हर तरह से मदद की जाएगी लाइक फ्रॉम डिफरेंट वेज थ्री सिक्सटी डिग्री सपोर्ट इन द आइकोनिक सब्सक्रिप्शन तो इसमें क्या क्या रहता है देखो सबसे पहला मतलब आइकॉनिक में और प्लस में फर्क हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ऑलरेडी बताया सो वट एवर दिट्स ऑफ प्लस आर वो आपको आइकॉनिक में जरूर मिलेंगे लेकिन आइकॉनिक के खुद के कुछ फीचर्स हैं सो लेट अस सी अबाउट दैट सो पर्सनल मिनट गेट लेट्स फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑल फॉर ऑल योर कंसर्न्स आपको जितने भी आपके कंसर्न्स हैं उसके लिए क्या मिलेगा आपको पर्सनल मेंटर एक पर्सनल मेंटर आपको अजाइन किया जाता है मतलब ओनली फॉर यू एंड वन ऑन वन गाइडेंस वो देते हैं आपको मतलब लाइक आपसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं फॉर लेट से यूर एजुकेशन सो वन ऑन वन गाइडेंस नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइफ डाउट सॉल्विंग

ये आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड के जैसे इसके अंदर क्या क्या होगा आपकी अटेंडेंस होगी मतलब हो किए जिसमें आपने अगर कोई टेस्ट टेस्ट दिया बीच में कोई क्विज दिया उसके कितने मार्क्स आपको मिले हैं वो भी सपो लेटर से इस रिपोर्ट कार्ड में होगा तो आप इससे क्या चेक कर सकते हैं आपका प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं इंडिविजुअल प्रोग्रेस कैन चेक

आपके सच में कुछ इशूज है कुछ प्रॉब्लम है और उसको लेट से टूगेदर सोल्व करने के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी पास रहेगी मैंटर के पास तो मैंटर के साथ बात करके दे कैन सोल्व योर एकेडमिक डाउट्स एकेडमिक प्रॉब्लम जो है दे कैन गेट इट सॉल्व राइट right? अगर आपका परफॉर्मेंस कैसा है या फिर कोई दूसरी दिक्कत जा रही है आपको पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत हो रही है तो वो आप मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं तो पेरेंट के लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन है उसके बाद है स्टडी प्लानर स्टडी ट्रैकर प्लान विथ लेट्स ए मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस तो आपको कैसा है स्टडी 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 ट्रैकर ट्रैकर प्लान प्लान के प्लानर जैसा आपको दिया जाएगा एंड इसमें यह बताया जाएगा कि आपके मंथली रिव्यूज कैसे थे हाईलाइट क्या थे मतलब आपके मंथ में आपने सच में कुछ अचीव किया उसका कुछ सपोलेट से हाईलाइट मतलब आपका मेन आपने इस महीने में क्या प्रोग्रेस कर लिया उसके डिटेल्स वगैरह सभी मैं होंगे स्टडी प्लानर्स में राइट right?

ठीक है, और भी उसके अंदर additional features हैं, मतलब दोनों मिला के रेट so, ad देख लेते हैं हम लोग ओके okay. like देखो इसका जो रेट है दैट इज तीन महीने के लिए सात हजार पांच सौ है तीन महीने के लिए सात हजार पांच सौ है छह महीने के लिए इट इज दस हजार

एंड अगर आप सपोर्ट लेटेस्ट से सिर्फ दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं के लिए लेना चाहते हो तो छत्तीस महीने हो जाता है ट्वेल्व ट्वेल्व टू जैसे थर्टी सिक्स बारह बारह महीने का पीरियड रहता है तो छत्तीस कितना आ जाता है बत्तीस हजार का तो आपके ऊपर है आपको कैसा चाहिए लेकिन तुम एक चीज ध्यान में रखो जितना तुम बड़ा पैकेज लोगे जितना तुम बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे उतना तुमको सस्ता गिरेगा राइट सो दैट इज वन थिंग विच यू शुड रिमेम्बर अब आप फोर्टी एट मंथ्स का लो

if you are really comparing the values it's almost like it is double uh matlab मतलब, iconic ke rates almost plus ke double hai uh, lekin as you know rates ke hisab se uske jo features hain right wo bhi kafi acche hain so depending on your economic capacity either you should go for plus or either you can go for iconic देखो iconic में teachers आपको वही रहेंगे पढ़ाने वाली वही रहेंगे आपको खाली कैसा है कि plus के हिसाब से कुछ extra features आपको मिल रहे हैं इसलिए amount ज्यादा है तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी यू शुड गो फॉर प्लस अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर अच्छी है तो, देन तो प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से एक चूज कर लो नाउ मोर ओवर इज एकेडमिक ऑफर ऑल्सो विच इज गोइंग ऑन एक लिमिटेड टाइम ऑफर चल रही है एंड दैट इज बारह महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दो महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सीबीएसई का मिल जाएगा तीन महीने का क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा एंड लाइफ टाइम सपोज यंग कोडर्स का सब्सक्रिप्शन लेकिन दिस ऑफर इज ओनली फॉर द फर्स्ट थाउजेंड सब्सक्राइबर्स एंड क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स तो ये लिमिटेड ऑफर है राइट right? तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको से इसको अप्लाई करना है 18 महीने का इज फॉर थ्री मंथ्स एंड देन थ्री क्रिएटिव कॉर्नर लाइफ टाइम फॉर यंग कोडर्स 24 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो चार महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सब सी बी का लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम फॉर यंग क्या बोलते हैं ंग कोर्डर्स पांच महीने का सीबीएस फ्री तो मिलेगा लाइफ टाइम फोर्टी एट मंथ का तो छह महीने का सीबीएस एंड लाइफ टाइम एंड लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव एंड यंग अच्छी ऑफर है मेरे हिसाब से यू शुड टेक इट एंड लेट्स कोर्सेस डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है ये जो कोर्सेस की जो मैंने आपको बताया इनको आप सस्ता बना सकते हैं विद यूज ऑफ द कोड ए एस लाइफ टेन कौन सा कोड है ए एस लाइफ टेन इस कोड को आपको ध्यान में रखना है ए एस लाइफ टेन को आपको ये कहां लिखना है ए एस लाइफ टेन देखो ए एस लाइफ टेन आपको लिखना है यहां पर आपका जो पेमेंट का बटन आएगा वहीं पे आपको लिखना है ए एस एल आई वीई वन जीरो में लिखना है आपको यहां पर आएगा वो उसके बाजू में डू यू हैव अ रेफरल कोड बोल के तो पे के बाजू में रहेगा वो ठीक है वहां पर कोड लिखना है ए एस अजिंक्य सोड़ों के एल आई वी वन जीरो और आपका जो रेट है ना उसके ऊपर आपको टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा टेन परसेंट डिस्काउंट तो ये दोनों के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है प्लस के ऊपर आल्सो एंड आइकॉनिक आल्सो तो दोनों में से एक देखो फिर आप सपोज लेट से लेकिन कोड का इस्तेमाल जरूर करना ताकि आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिले राइट now anyone can subscribe on डेमी Plus because you can pay in parts अब कोई भी पेमेंट लेट से अनकेडमी के Plus को ज्वाइन कर सकता है आपको पैसे की चिंता नहीं है क्यों क्योंकि हमारे पास जो आप पेमेंट है आप उसको पार्ट में भी पे कर सकते हैं It's not compulsory कि आपको uh, मतलब एक साथ पूरी फीस भरनी है तो आप उसको हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं फॉर मोर देन को आप बारह uh, में पे कर सकते हैं और उसके लिए जीरो कॉस्ट दैट आपको ईएमआई भी काफी महंगा ना पड़े सो टॉक टू दैट इज से प्लीज डू ज्वाइन विद एस लाइफ टेन एस लाइफ टेन को इस्तेमाल करें टेन परसेंट डिस्काउंट ले लें एंड डू जॉइनडमी राइट तो आपकी पूरे पढ़ाई के लिए तो बाकी डिटेल्स मैंने सब बता दिए हैं कैसे ज्वाइन करना है तो प्लस और आइकॉनिक दोनों में से एक को तो आप लोग अप्लाई करना ही करना है राइट एंड 10% डिस्काउंट के लिए कोड का इस्तेमाल करना है दैट इज लाइफ टाइम एस लाइफ 10 का इस्तेमाल जरूर करना ओके सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस अ न्यू लेट्स से कॉम्बैट एग्जाम कि जो हमारी तरफ से सपोज से लॉन्च किया जा रहा है

आने वाले संडे को होगी और क्लास दसवीं के बच्चों के लिए इट विल बी एट 11 ए एम सुबह ग्यारह बजे होगी क्लास दसवीं के बच्चों के लिए एंड फॉर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स इट विल बी टेकन एट ट्वेल्व पी दोपहर को बारह बजे होगी तो सुबह ग्यारह बजे दसवीं के बच्चों के लिए और बारह बजे नब्वी के बच्चों के लिए तो ये एग्जाम जरूर देना क्योंकि इस एग्जाम में आपको सपो लेटेस्ट से यू यूनिक

सो देर आर सम न्यू बैच ले प्लस बैच विच विच आर गोइंग टू बी लॉन्च और जो लॉन्च है सो लेट एस सी द डिटेल्स कैसी कैसी है क्या क्या है